गर्मी का लेवल ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है ना सूरज ऐसे आंखें निकाल के बैठा होता है कराची के, वो कहते हैं ना इनको जीने ना देंगे हैं। पर ये जो है ना ये मेरा दिमाग खराब कर रहे है। देखो इसको सीढ़ियाँ नजर आ गई हैं, ये यहाँ से बार बार ऊपर जा रहे हैं बार बार। मैंने बोल दिया अगर मजे का ना हो तो पैसे नहीं देंगे, ठीक है। जो औरतें किचन में नाश्ता इतनी गर्मी बनाती है, मेरी तरफ से सबको सैल्यूट है, ऐसे बना दी हुई है माशाल्लाह। और ऊपर से सुभान अल्लाह मेरी नंद की शादी भी इसी गर्मी में है। मैं तो सोच रही हूँ कैसे कैसे हम लोग वहाँ पे रहेंगे, कैसे मेकअप हमारा टिकेगा, मुझे नहीं लग रहा टिकेगा। मैं थोड़ा सा खाना जो है ना वो बच्चों के साथ खाया था, अब थोड़ी सी भूख छोड़ी थी मियाँ साहब के साथ खाने के लिए, लाल साहब का मुंह ना बन जाने। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या चाल है, उम्मीद आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। हम भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जबरदस्त। तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये बताएं आप कौन से शहर से हैं और आपके शहर में गर्मी का लेवल क्या चल रहा है। हम तो कराची से हैं लेकिन इधर गर्मी का लेवल ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है ना सूरज ऐसे आंखें निकाल के बैठा होता है कराची के, वो कहते हैं ना इनको जीने ना देंगे हैं। सलाम नहीं करना। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या चाल है आप लोगों का, उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम तो मैंने कर ही दिया है। तो चलो अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से चलते हैं हम लोग कहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही चल ही गया होगा कि मेरे हस्बैंड की यही रूटीन है कि वो सारे शटर गिरवा के आते हैं। तो मेरे दर्जी ने जो कपड़े लिए हुए थे ना मॉल वाले दर्जी ने, तो अभी उसे हम क्रैक करने जा रहे हैं कि आपने उसने कर लिया डेट तो आज की दी हुई है। चलो चलते हैं, मुझे लेनी थी थोड़ी और चीजें, अभी के कपड़े लेने थे मुझे जो मैंने सिलवाने के लिए लेने थे, मगर नहीं मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा मुझे। चलो कोई नहीं ठीक है, आपके भी जो कपड़े हैं ना ठीक है वो तो मेरी जान ले आते हैं ना, एक काम तो होना चाहिए ना, क्योंकि दिन में होती है गर्मी बहुत ज्यादा और रात में। अच्छा मेरी बात सुने, अभी मुझे मंडियों का चक्कर लगाने हैं इंशाल्लाह कुर्बानी करनी। तो भाई हम लोगों ने वहाँ पे भी जाना, तो यार ये खत्म करो ना सारी शॉपिंग वॉपिंग। यार बात सुनो ठीक है, तुम्हारे तुम तो वैसे भी बहुत विटामिन डी के लिए वो शदाई हो, तो लो तुम, मैं तो कहती हूँ बाहर डाल के सड़क के ऊपर चेयर डाल के ऐसे तुम सूरज को आंखें निकालो। असल में पता क्या, देखो गाइस सीन कुछ ऐसे है, हम लोग अभी से भी ले सकते हैं ठीक है जानवर वगैरह कोई ना, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए, इस वजह से मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि इसे दो तीन पहले लेंगे इंशाल्लाह, दो से तीन रोज पहले लेंगे, उसके बाद ठीक है हम लोग ठीक है, क्योंकि इतना और महंगा लेंगे, महंगा है ना। टेंशन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमें जानवर सस्ता मिलेगा भाई। किसी अगर कोई बंदा हम व्यापारी बंदा कोई हमारी वीडियो देख रहा है तो हमारे पास अच्छा बकरा है या क्या दुम्बा, अच्छा दुम्बा कोई तो भाई कमेंट से जरूर बताओ, और अच्छा पलावा घर का पलावा ठीक है किसी के पास तो भाई कमेंट से जरूर बताओ, आपसे खरीदने के लिए हम आपके पास जरूर आएंगे अगर आप कराची में हुए तो। चलो जी निकलो, तकी बाबा भी हमारे साथ है। तकी बाबा तकी भूल गई, वो बात ये है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो। तकी ओए तकी बाबा, ओए तकी बाबा अभी मक्खी पकड़ने लगा, चल ना चले जानो जानो बेटा, तकी बाबा चले ना यार आजा। तो गाइस ये अपनी ना ठीक है मक्खी पकड़ने में मसरूफ है, तो चलो अभी हम लोग ठीक है जल्दी से चलते हैं, क्योंकि ये ना ये भी बंदा बंद करके ना ठीक है, तो ऐसे ही बेगम बातें सुनाएगी भाई आप निकलते लेट हो ऐसे वैसे, तो चलो अभी आपको ठीक है थोड़ा बाहर का टूर करवाते हैं। Okay. मगर ये ड्रेस अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि सस्पेंस है ना, आप लोगों को अभी से ड्रेस दिखा दिया तो फिर अब क्या फायदा रह जाएगा, आप बोलोगे ये तो ड्रेस देखा हुआ है अजीजा का, तो इसलिए सस्पेंस है थोड़ा सा, थोड़ा इंतजार करो शादी में देखने ठीक है। तो ड्रेस मेरा रेडी हो गया और वो देखो मैंने मियाँ जाना ये अपनी दौड़े लगा रहे क्यों बिलाल साहब। खैर इस बंदे को सिलावा वो क्या खुली हुई दुकान मिल गई, मुझे नहीं पता था बोला था भाई आपको बोला था हमने ठीक है, वो देखो देखो भाई अम्मा का ड्रेस चल रहा है, ये बंदे अम्मा का ड्रेस है फाड़ना दे गाइस। ये देखो ये यहाँ पे मखलूक कह रही है कि छोड़ दो मुझे और पूछो मत, और ले लिए हम लोगों ने अपने बैग्स ले लिए हमारे जो सिल गए कपड़े सूट ले लिए सिल गए हमारे ठीक है। तो अभी चलो जरा एक आध और चक्कर लगा लेते हैं क्या कहते हैं, नहीं बाजी लगाएगी पोनिया बाजी को लेके आएंगे अपनी पसंद की ले लेगी क्यों जी। गाइस यहाँ पे लड़का ना बिल्कुल हाथ से निकला हुआ। A few moments later. तो गाइस वहाँ पे देखो वो अपना कोट पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ना ये मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। देखो ये देखो इसको सीढ़ियाँ नजर आ गई हैं, ये यहाँ से बार बार ऊपर जा रहे हैं बार बार, इतनी लंबी सीढ़ियों पे चढ़ जाता है और फिर जाके मुझे इसको उठाना पड़ता है। तकदीर लैन तकी किधर जा रहे हो देख लो, मेरी यहाँ पर परेड लगी हुई है, हाथ पकड़ाओ हाथ पकड़ाओ। ये देखें सीढ़ियाँ चढ़ने का इतना शौक है इतना शौक है इतना शौक है कि कोई हाल नहीं है, जिस चक्कर में मेरा बुरा हाल हो गया ठीक है। चलो अपने बच्चे को उठाओ भाई, उठाओ इसको उठाओ निकलो, चलो शाबाश उठा लो इसे। A few minutes later. Hello. कौन था प्लेयर पे रही है? ये ब्लूबेरी है ये लीची है, पता नहीं क्या सोच के मंगाया मगर पहले तो मंगाया जबरदस्त। तो तकी से कह रहा है मामा ये मेरे को दे दो ना। हाँ मामा ये मेरे को दे दो और आप जाके जो है ना मुझे एक शवरमा तो लगा दो, वैसे गुजरात आ रही हूँ तो मैं शवरमा तो बहुत ज़्यादा खाऊंगी, गुजरात वाला शवरमा जाना तैयार रखना। हाँ मैं कह रही हूँ गुजरात वाला शवरमा तैयार रखना, बेस्ट वो है ना डिश है मुझे वहाँ की बहुत पसंद है। तो अभी इधर का शवरमा जैसे खा के तू वैसे ना गुजरात के शवरमे का बदनाम ही करेगी वैसे बता रहा हूँ। चलो खैर तुम ले लो, मैं आलू की सब्जी बना के आई हूँ तो पकड़ो या मुझे ला दो शवरमा खाओगे, अबे छोड़ रहे थे भूख खराब करेगी। मैं जा रही हूँ कहाँ लगवाने, मैंने दो अबे रुक ना बात सुन, मामा तेरी चली गई
तो इधर मेरी जान ना गुजरात की कॉफी शवरमा खाने लगी। मैंने तो मना किया था मत लो, लेकिन कह रही है कि मैंने जरूर खाना है। पहले बता रहा हूँ इतना हाथ नहीं होगा, पैसे मेरे जाया करने लगी है तो ठीक है। लड़के बात सर, जरा मजे का बनाना, नहीं तो पैसे नहीं देंगे। कौन है ये लोग? ठीक है ना बाजी, पैसे नहीं देगी, याद रखना मजे का बनाना जरा ठीक है। और जो गोश्त डालना है तो गरम गरम डालना। हमको सिखा रही है, मैंने बोल दिया अगर मजे का ना हो तो पैसे नहीं देंगे ठीक है। पैसे दे के लूंगी मैं, अभी तो पैसे नहीं ना दिए बावले पहले ठीक है। अच्छा स्पाइसी नहीं करना ज्यादा ठीक है। तो गाइस बिल्कुल ना ठीक है, फ्रेश शवरमा बनवाया जा रहा है ठीक है। गोश्त भी गर्म हो गया, देखो ये चटनियाँ पड़नी इतनी पड़ी उसके पास। देखने पर तो सारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। अभी लड़का अच्छा बनाता है या नहीं बनाता ये पता चलेगा बनाने के बाद। मैं आपको पहले बता रहा, इतना हाथ नहीं लगेगा आपको। तुमको क्या है, तुम पहले मेरा दिल क्यों मेला कर रहे हो? वो सीरियस हो गया, वैसे ठीक से पता है दिल जान लगा के मैंने बनाना है। हां पता क्यों थोड़ा ये भी बचा के रखो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी अपने ना, अपनी खत्म हो गई तुम्हारी ले लूंगी। अच्छा ये सही गेम है ना, ये सही दादे की रही मियां के ऊपर है। लेकिन गाइस मजे का ना काफी ज्यादा ना, दो बार मैंने दूंगी इतनी ब्रांड में पहले कर दिया तो भूल जाओ। नहीं टेस्ट तो करूंगा मैं, टेस्ट करूंगा, टेस्ट करूंगा मजे का है या नहीं तो पता चले ना। है नहीं मैं तो मैंने नहीं। हां जी पैसे इसके बनते ही नहीं बनते, मुझे तो नहीं मजे का लग रहा। हाँ दे रहा सही है, मजे का सही है भाई। इसने बोल दिए, इसने बोल दिए तेरे को पैसे मिल रहे हैं ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ये क्योंकि ये पंजाब की फेमस है चीज़ ना, गुजरात में बहुत ज़बरदस्त शवारमे मिलते हैं ना सही भी है भी। लेकिन कराची हमारे में नहीं, लोग से सही बनते इधर की चीज़ें ये फेमस नहीं है। चलो कोई नहीं भाई, ये पैसे ले लें पकड़ लें। अब मेरे को चक्की लगवा दी इधर आना, किधर जा रही है इधर मोबाइल फोड़ना है ये देखे इनके काम देखे, ये तो पता नहीं खतरों का खिलाड़ी पैदा हो गया। हाँ मामूली बच्चे नहीं, गैर मामूली बच्चे। चलो आप उठाओ और चाबी दो मुझे जरा, मैं खोलूं। चलो शाबाश, सामान उठाओ इकट्ठा करो ऊपर चले। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त सिनेमा बना रहे। चलो जी सिनेमा ना बनाओ क्योंकि सुबह जाना है अपन ने स्कूल। आज यहाँ में तकबीर की छुट्टी थी और अभी छुट्टी खत्म होगी और ये देखो कितना इन्होंने खिला रहा है यहाँ पे, बम्बार डाला हुआ गधियों का। ये छोटा भी आ गया, अब इसे जरूर नींद आएगी, इसे नींद आएगी। तुम लोगों को ना आई नींद, देख लो जरा इनको नींद आई है। बोली थी बच्चों आज तुम लोग 8 बजे सो जाओ। हाँ क्योंकि इनके अब्बा ने मेरा दिमाग खराब किया था, इनके अब्बा जन कहते मेरा जाने का मूड नहीं है, दर्दी के पास सो जाओ, चलो जाओ यहाँ से। फिर हम सोने लग गए तो फिर आके बोलते हैं चलो बेगम नाराज ना हो गई हो इसलिए ले चलते हैं। भाई हम नाराज नहीं, मुझे तो सिर्फ उधर गई, कहीं और तो कहाँ गई, उधर ही गई हूँ। खाना नहीं लेने गई, खाना मैं बना के गई हूँ बड़े बोले, खाना मैं लेकर वो खाना मैं बना कर गई हूँ। तो चलो भाई खाना खाते हैं, सालन तो है ना भाई, बना के गई हूँ आलू की कतलियाँ। इस बंदे ने मेरा मर्डर कर देना था, तो देख लो गाइस एविडेंस है मैं बनवा के देंगे। अच्छा अब ये लोग बोले ना कि बाहर से लाई है वो, यकीन नहीं करना आप लोगों ने। हाँ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ठीक है, तो जल्दी से कर दो। तो वेलकम बैक हुआ गाइस और हमारी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग भी हो गया। देखो मैंने जाना है काम पे, मैं पहले ठीक है अपनी वर्दी पहन के ना ठीक है, वर्दी पहन के गर्मी में ठीक है, पहनावा पे ठीक है। और गर्मी भी आज बाहर जो माशाल्लाह लेवल है ना गर्मी का ठीक है, आज मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इसका ना दर्जा हरार जाएगा, 50 से ऊपर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अभी तक हमारी जो बेगम साहब है ना उन्होंने नाश्ता नहीं दिया, मेरे जो पेट में यकीन करो चुभे जो ठीक है नसते पाई जाते ठीक है, भूख बहुत टाइट लगी है। बेगम साहब किचन में नाश्ते पे नाश्ता बनाती जा रही है, किचन में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो औरतें किचन में नाश्ता इतनी गर्मी बनाती है मेरी तरफ से सबको सल्यूट है ऐसे। और गाइस गुड मॉर्निंग, पसीने चेक करो और इतनी गर्मी में अंडे चाय पी जा रही है। मेरी जान कोई बंदा बनाता है ठीक है, कोई चटनी शटनी बनाता है, कोई लस्सी लुस्सी बनाता है, इस तरह की चीजें बंदा पीता खाता है ठीक है। वाह ये क्या चीज है भाई, तूने जिस तरह की डेडलाइन दी थी उसमें मैं तुम्हें लस्सियां दूंगी। मेरी जान मुझे बस नाश्ता दे दो मैं ठीक है, मैं टाटा बाय बाय, उसमें टाइम कम है काम है क्योंकि हर रोज मार्केट में नहीं जा सकता। क्या हो गया अबे शाम को लगा दूंगा मेरी जान, गर्मी कम है क्या तुम्हें नजर आ रही है? कितना बाबा क्या हुआ ये कर रहा मैं, आज क्या खाओगे बताओ आज कल गाइस एक वीडियो दी गई टिकटॉक पे इंस्टा वगैरह पे काफी वायरल जा रही है ना, पीछे से आती है ठीक है मियाँ की ना ठीक है बेगम आती है, कहती है क्या नाम होता दीदा उसका, आती है कहती है सर क्या खाओगे, खुआ दे ठीक है जो तेरा दिल चलता खुआ दे ठीक है, घर का खुआई बार मैं तो ये बोलूँ
मेरी जान जो मेरी जान जो तेरा दिल करता बना मेरी जान का बिरयानी खाने का दिल है पालक गोश्त खाने का दिल नहीं है क्योंकि पालक मैं कल की लेके आया था लेकिन पालक छोड़ के मैं आलू बना दिया मेरी जान बिरयानी बिरयानी बनाना चाहनी है तू पालक गोश्त बनाना चाहनी है मिल जाए फिर आया ना टॉप क्लास की बिरयानी बना कराची स्पेशल बिरयानी पता चले भाई बिरयानी आज बनेगी हमारे घर ठीक है जिस जिस बंदे ने खानी है तो आज जल्दी ठीक है एक दो प्लेट आपको मिल जाएगी चलो सही है भाई पक्की बात है तो भाई तू आ जा तेरे को बिरयानी नहीं देती क्या आ जा तेरे को तो बिरयानी पहले ही मिल जाती है तू तो घर की बनती है तेरे को मिल जाती होती है अच्छा हेलो गाइस वेलकम बैक हो गया आप लोगों का भी और मेरा भी अपने किचन के अंदर क्योंकि हम लोगों ने भी बनाना है खाना और मैं बहुत वेट करती रही हूँ कि दोपहर का मौसम भले शाम का टाइम आए तो फिर अपन जो है ना खाना वाना बनाए तो आज हम बनाने वाले हैं सिंधी बिरयानी ठीक है वैसे सिंधी बोलनी तो आती नहीं है तो बिरयानी बना के ट्राई करते हैं भाई आती है कि नहीं आती फिर देखिए यहाँ पे ये हाल चाल चल रही है देखिए इसके अंदर बस एक डिफरेंस है कि हम बम्बई बिरयानी के अंदर टमाटर पहले डालते हैं मगर सिंधी बिरयानी के अंदर हमें टमाटर एंड में डालते हैं दम के टाइम पर पत्ते पत्ते काट के डालने तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो है ना ये ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है देखिए आप लोग दही मसाला और चिकन बस और इसका ना तय वाला दम नहीं लगेगा इसका आपने ऊपर से दम लगाना जिस तरह के चावल के ऊपर पूरी तय बिछा देनी है सालन के ऊपर तो खैर आप लोगों को साथ साथ में बताऊंगा आपको पता भी होगा मगर ये कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी बिरयानी मसाला मेरे पास जो है ना वो तय वाला खत्म हुआ था यानी कि बम्बई खत्म हुआ था तभी सिंधी से काम चलाएंगे सिंधी बिरयानी बहुत मज़े की होती है यमी होती है तो आज बना के चेक करेंगे और आप लोग यकीन करो आज इतनी को गर्मी थी टेम्परेचर हद से ज़्यादा बड़ा हुआ था तो बंदे को कमरे में बैठे हुए भी इतनी शदीद गर्मी लग रही थी और अभी हम लोगों की लाइट भी बंद हुई थी अब खैर शाम का टाइम हो गया 6-7 बज गए तो मैंने कहा गैस जाने से पहले पहले अपना काम निबेड़ लिया जाए अभी आलू रह गए आलू को मैं कट करके अपने सालन के अंदर डाल दिया लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये आलू हमारे हांडी में चले गए और अभी जो है ना इसको दम लगा के आज जो है ना सिरका भी ख़त्म हुआ है यानी कि मैंने आज ना ग्रॉसरी कर ली थी मैं ईद से पहले क्योंकि हमने चले जाना है पंजाब तो फिर पीछे जाना खाने पीने की चीज़ें जो ख़राब होती रहती हैं जैसे मसाला जात हो गए तो इस तरह की चीज़ें मैं लेना नहीं चाह रही इसी चक्कर में मेरा जो है ना आधे से ज़्यादा ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है तो जो ग्रॉसरी याद आ जाती है वो जो है ना मैं मंगवा लेती हूँ हाँ जी बाजी तुम सटो सारी चीज़ें बिरयानी का डब्बा नहीं है खाली डब्बा है ठीक है आप क्या लेने आई हो पानी लेने आई हो और जल्दी से बंद कर दो हवा मत चलो बाजी आप गायब हो जाओ चलो 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 पानी चाहिए आपको आपने सारा मेरा काम खराब कर दिया ऊपर से देखो जरा सारी चिकन निकाल के इसमें धुली हुई चिकन जमीन पर रख दी है देखो चलो चलो यहाँ से गायब हो जाओ बकरे से धोनी पड़ेगी ये मुझे दोबारा से धोनी पड़ेगी देखो जरा अंधेरे में एक वैसे नजर नहीं आ रहा ऊपर से तुम लोग काम बढ़ाई जाओ लगा लें ना होगा ये चिकन दोबारा से धोनी पड़ेगी अच्छी बनी करके रखी है मैंने सोचा हुआ था कि भाई वो हम लोग घर में ना टिक्का बना लें अभी उसी के लिए जाना मैंने ये चिकन फ्रिज में रखी A few moments later. लो गाइस इसको जो है ना अब हम दम लगाते हैं दम लगाकर हम जाते हैं कमरे में जाके हवा खाते हैं पंखे की क्योंकि बेड़ा गर्क हो रहा है पसीने के मारे कोई हाल नहीं है आज तो स्कूल से जब से बच्चे आए बच्चों को भी आज स्कूल वालों ने जल्दी छुट्टी दे दी क्योंकि उनके भी स्कूल में जो है ना जनरेटर का नाकस इंतजाम हुआ था जिसकी वजह से गर्मी इतनी थी ऊपर से लोड शेडिंग तो फिर स्कूल वालों ने कहा कि बच्चों आप लोग घर जाओ तो आज ये लोग टाइम से पहले ही आ गए मतलब 10:30 बजे ये लोग घर पर मौजूद थे एक आध पीरियड अटेंड किया लोगों ने वापस घर पर आ गए गर्मी इंतहाई शदीद हो रही है जिसका कोई जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो रही है मगर कोई बात नहीं हमारे रब ने गर्मी दी है तो करेंगे बर्दाश्त इंशाल्लाह ताला बाकी यह है कि लाइट भी नहीं होती हमारी तो खैर गाइस आप लोग भी इसी गर्मी के मौसम में जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच जी कह रही है ठंडा पानी पी लो आप लोग भी इसी चक्कर में जाकर सब्सक्राइब कर दें ठंडा पानी पी और चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो पसंद आ जाए उसको लाइक भी करना फ्यू मिनट्स लेटर तो गाइस ये हमारी बिरयानी जो है ना ये तैयार होगी और मैंने बच्चों को डाल के दे दी क्योंकि इन लोगों को भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा बाबा तो आपके जब आएंगे सो आएंगे आप लोग पहले खा लो अपना पेट भरो और उसके बाद काम करो बैठ के क्योंकि दोपहर सारी इन्होंने सो के गुजारा बाबा के साथ भी खाऊंगी ये लड़की जो है ना बिरयानी लवर है फुल बिरयानी लवर है दिन में अगर इसको 4-5 दफा बिरयानी मिलेगी तब भी खुशी खुशी खाएगी और पूरा हफ्ता भी बिरयानी दो तो और कुछ नहीं मांगी बिरयानी नूडल क्यों जी तो बताओ बिरयानी लवर कैसी बनी है बिरयानी डायलॉग नहीं बोला तुमने अपना हाँ तो अभी को जब कोई पसंद आता है ना मेरे हाथ का खाना तो बोलती है यम्मी आपके हाथ में तो जादू है तो ये जो इनका डायलॉग है ना ये अपनी माँ की थकन उतार देते हैं वो पसीने में खड़े हो गए हमारा खाना बनाना गर्मी में खपना वो सब खुशी खुशी हम लोग सह लेते हैं क्या बच्चे खुश हो जाते हैं बच्चे कहते हैं कि भाई मामा ने जो है ना खाना अच्छा बनाया इसी तरह जो है ना अगर हस्बैंड तारीफ करते हैं कि बेगम ने अच्छा खाना बनाया तो दिली खुशी होती है क्यों लेडीज फिर बंदे का और दिल करता है कि और अच्छा करके इनके लिए बनाएगा ट्रेन आ रही है ये बचपन में मैम को ऐसे खाना खिलाती थी लो ट्रेन आ रही है तो अब ये मुझे खिला रही है ट्रेन आ रही है तो गाइस हम लोग करते हैं बिरयानी एंजॉय आप लोग करो चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हो तो और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना 2000 years later तो गाइस ये हमारे बिरयानी की फाइनल लुक है और अभी बिलाल साहब को भी देने लगे हैं हम खाना
लाल साहब आ गए हैं भाई, आ गए हैं आप। हेलो, जरा मुखड़ा दिखाएं, कितना विटामिन डी लिया, सच्ची सच्ची बताएं। गाइस आज यकीन करें गर्मी लेवल पे थी, माशाल्लाह लेवल से भी ऊपर थी भाई। आज तो घर में ऐसा फील हो रहा था कि भाई बगैर पंखे के बैठे हुए, हालांकि पंखे चल रहे थे। तो जो लोग बाहर गए हैं, सलाम अलैकुम है उनको, है सलाम अलैकुम है आप लोगों को। तो लेकर आऊं तुम्हारे लिए खाना या अभी नहीं? आप लोग बताओ आप कौन सी सिटी से हो और आपकी सिटी में क्या लेवल चल रहा है गर्मी का? हमारी सिटी में तो कराची में माशाल्लाह, आप समझो अभी जितनी भी गर्मी है ना, ठीक है इस सीजन की आज सबसे ठीक है, गर्मी ज्यादा थी आज के दिन में, ठीक है। तो आज हमारी बेगम ने माशाल्लाह बिरयानी भी बना दी हुई है माशाल्लाह, और ऊपर से सुभान अल्लाह मेरी नंद की शादी भी इसी गर्मी में। मैं तो सोच रही हूँ कैसे कैसे हम लोग वहाँ पे रहेंगे, कैसे मेकअप हमारा टिकेगा, मुझे नहीं लग रहा टिकेगा। एयर कंडीशन भी मुझे लग रहा है फारग हो जाएगा जब वहाँ पे खलकत बढ़ेगी ना, फिर तुम्हारे मेकअप ऐसे निचड़ निचड़ के जाएंगे। किधर चले गए हो? अरे मियां मुंह धोने चले गए हो। तो गाइस इनको भी देते हैं खाना, और अभी देखो रात का टाइम है, 12 बजने वाले हैं। तुम किधर से आ गए बाजी, खा के आई हो? हैं नहीं, हाथ पीछे करो, चलो जाके धो के आओ, चलो हाथ धो कर आओ। हाँ जी, आपको क्या है, आपको क्या गुस्सा चढ़ा यार? ये तो हमारे घर की छुई मुई है, हर बात पे ऐसे रोने लग जाता है, हर बात पे एहतजाज रिकॉर्ड करने लग जाता है। ये तकदीरों लाइन का जाना है, ब्रश आया, ये देखिए ब्रश करके दिखाओ कैसे करते हैं। ये लो जी, ये ब्रश कर रहे, करके बताओ जरा ब्रश, ब्रश कैसे करते हैं करके बताओ। आप छोड़ दो, आप छोड़ो करके बताओ। ये लो जी, ये ब्रश हो रहा है, ये ब्रश कर रहे हैं। ये वैसा ब्रश मैंने अपने लिए मंगाया था, मगर ये ऑनलाइन मुझे छोटा सा ब्रश आ गया, तो मैंने कहा अब इनका हो गया। हाँ जी, Few inches later. थोड़ा सा खाना जो है ना वो बच्चों के साथ खाया था, अब थोड़ी सी भूख छोड़ी थी मियाँ साहब के साथ खाने के लिए। ला साहब का मुंह ना बंजे, नहीं बोलेंगे मैं तो खाया नहीं इसने, है मुंह तो नहीं बनने लगा तुम्हारा। नहीं मैंने तुम्हारे लिए जगह छोड़ी, मैं रायता भी बना के रखा, मसालेदार चटपटा सा रायता, वो भी मैं लेके आती हूँ, बच्चों को पसंद नहीं है खीरे शीरे वाला रायता, तो हम लोगों ने ये रायता बना के रखा, जुगाड़ू रायता, मतलब बाहर से जीरा मसाला मंगा के। और ये लो, इतनी भूख लगी हुई है। हैं गाइस, इसने ना 12 बजे का ना ब्रेड से नाश्ता करवाया, तो बाहर से मैं लो, तो मैं पीछे लेके आती हूँ इधर, तो आप लगाओ, तुम ऐसे खेतों में काम कर रहे हो, पीछे तुम्हारे रोटियां पैक करके लेके आए। 12 बजे नाश्ता मैंने किया पता किसे, ब्रेड से, और अभी रात के 12 बजे खा लिया करो। आपको अगर बाहर खाना तो ये लो रायता पकड़ो और बैठ के खाओ, पकड़ो इन्हें और ला के दे आओ। चलो नहीं, बाबा को खाने का तंग मत करो। अभी करते हैं ब्लॉग का एंड, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।